महाशिवरात्रि के बीच संभल से शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। एसपी और एएसपी ने भी फूल बरसाए हैं। सदर इलाके के चौधरी सराय में कांवड़ियों पर जहां पुलिस ने पुष्प वर्षा की, वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा और एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। एसपी ने कांवड़ियों को फल भी बांटे। महाशिवरात्रि पर संभल में दोनों समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत कर सांप्रदायिक सद्भाव की एक और मिसाल पेश की है। कांवड़ियों को फूल बरसाए, इसके अलावा ऐसा दूर देखा, ऐसा क्या है सर? आज संभल जनपद से लगातार कांवड़ियों का आना जारी है। इसमें जो हमारे यहाँ के मुख्य मंदिर हैं, वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और आज रात से इसमें और जोर पकड़ने की आशा है। साथ में संभल कस्बे के कई गणमान्य लोगों ने, दोनों ही धर्म के लोग इसमें शामिल थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एक आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए यहाँ पर कांवड़ियों को फल, मिठाई, इन सब का वितरण किया। साथ में उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। ये दिखाता है कि हमारा संभल कस्बा सामाजिक समरसता को एक साथ लेकर चलने के लिए, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। कहीं पर कोई किसी तरह की सामाजिक विद्वेष की चीज़ हम लोगों के बीच में ना आ पाए, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। सभी लोगों को शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पर्व की, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से सब लोग अपना पूजा अर्चन करते हुए ये कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे।